आज के ब्लॉग में आप देखेंगे उतारू ना। अरे मेरा बैग ले गया चोर, कैमरा लिया है और घूमने निकल गए। चलेगी आए हैं, गुस्से हैं। आई एम वर्किंग ऑन अ केस व्हिच हैज एन इंप्लिकेशन ऑफ 400 crore। तुझे कितने मिलेंगे इसमें से? जे जीरो। अबे ऋषि, हैंकी पैंकी पिएगा? ये एयरपोर्ट मत लेके जाइयो ये वाला। ऐसे प्रयास चल रहा है, इसमें कोई रुतबा दिखेगा ही नहीं तुम्हें। एक रुतबा होता है देखो चलने का। कितनी लड़कियों को तूने आज तक डेट किया है? बस बहुत हो गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये ऐसी एक लाइन है जो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं बोली है, लेकिन हमेशा हमें जिंदगी में वैसा कुछ करना चाहिए जो हमने कभी नहीं किया, तो आज हमने ये कर दिया है। अब आज का कोई प्लान नहीं है, मैं बहुत टाइम बाद वैसे एक ऐसा व्लॉग बना रहा हूँ जिसमें मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। मेरे पास बस लोग हैं और हम घूमने जाने वाले हैं। ये भी नहीं पता कि कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो बढ़िया सा करेंगे। अब ग्रीन लाइट हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। व्लॉग भी तो बना रहा हूँ ना। अरे मेरा बैग ले गया चोर। आराम से आया तू? ये मैं तेरे लिए क्रिस्पी क्रीम का डोनट लेके आया हूँ ना, सरप्राइज करने के लिए। हम अभी ऋषि के घर के बाहर खड़े हैं और हम यहाँ से जाने वाले हैं एक ऐसी जगह पे जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन जब ऋषि आएगा तभी हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। कैमरा लिया है और घूमने निकल गए जैसे हम पुराने जमाने में घूमने निकला करते थे। पुराने जमाने तो ऐसे बोल रहा हूँ, 5-6 साल पहले जाते थे ना, काफी टाइम हो चुका है उस बात को। उस हिसाब से भाई एनर्जी कहाँ है तेरी? एनर्जी ये मैच्योर एनर्जी है ना, यही वाली चल भाई। ऐसा मैच्योर भाई, ऐसे ऐसे एनर्जी चाहिए ये लोग निकलता। अब मैं बड़ा हो गया हूं ना, मेरी सूदिंग रिलैक्सिंग एनर्जी हो चुकी है अब पहले से। अब मैं बिल्कुल शोर वोर नहीं मचाता हूं। तो भी तू लो-फाई चिल म्यूजिक लगाएगा, रिवर्ब। अभी हम गाड़ी चला। अरे हाय गाइस, हाय ऋषि, कैसा है भाई? नमस्ते ऋषि, नमस्ते। हेडलाइन नहीं चलेगी ऋषि, अभी आए हैं, गुस्से हैं। दादी का वोट यार, तू आते ही बोल रहा है कि मेरे भाई। मैंने सोचा था कि आज जा रहे हैं सब घूमने जाएंगे, व्लॉग बनाएंगे, कोई बढ़िया सा कुछ होगा। ये आते ही डेडलाइन दे रहा है, अभी 3:30 बजे 6 बजे तक वापस कैसे आ जाएंगे हम? यार ऋषि देखें, डू इट फॉर द यूट्यूब फैम यार, वो चाहते हैं कि हम घूमते जाए। हाँ वो चाहते हैं, पर दादी भी चाहती है ना। आज दादी का बर्थडे, दादी को भी ले चलते हैं फिर। आज दादी को बोल धान मिल घुमा के लाते हैं। हमें पता तो चल नहीं पा रहा है कि हमें कहाँ जाना चाहिए घूमने के लिए, बट एनीवे हम रास्ते में थे और हमें जैन शिकंजी मिल गया तो हम यहाँ पे आ गए, विच इज क्वाइट फेमस। क्यों प्रियांश? या कैसी है? प्रॉपर गला खराब हो जाएगा ऐसे। मुझे तो फाड़ लग रही है, इतनी धूप में ठंडी ठंडी शिकंजी पीने का देखो मजा ही कुछ और है। So currently हम आ चुके खान मार्केट में, फैट लुलूज कैफे में, और यहाँ पे हम कुछ खाने वाले हैं, बहुत ही थापड़ सा। हमने सब जब सारे ऑप्शंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाया तो हमें यही लगा कि अगर ऋषि को 6:30 तक घर पहुँचना है तो जल्दी से जल्दी हमें एक ऐसी जगह जाना चाहिए जो पास में भी हो और जहाँ अच्छी भी हो। तो हम खान मार्केट आ चुके हैं और यहाँ पे हमने ऑर्डर कर लिया है अपना खाना। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? बहुत टाइम बाद तू मिला है। आई एम वर्किंग ऑन अ केस व्हिच हैज एन इंप्लिकेशन ऑफ 400 crore। तुझे कितने मिलेंगे इसमें से? मुझे जीरो। तो फिर क्या फायदा भाई? मैं फोड़ के काम कर रहा हूँ बाहर, फिल्म मेकिंग प्रॉपर। क्या कौन सी बताइयो? बता कौन सी फिल्म बनाई है तूने अभी तक? अभी तक मैंने 4 फिल्म बना ली है। नाम बता। इनटू द सी बनाई है मैंने, नाइट शूट बनाई है। नाइट शूट? नाइट शिफ्ट। कि हम लोग कहाँ देख सकते हैं ये फिल्म? यूट्यूब पे है। अच्छा ठीक है, प्राइवेट प्राइवेट। अबे ऋषि, हैंकी पैंकी पिएगा? बूंगा बूंगा। इसके नाम किसने डिसाइड करे हैं? किस किस बैग बैग वही फाड़ना है। सो हियर वी हैव क्वीन HRH पिज्जा जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में, अब खाने में देखते हैं कैसा है। सो एज यू गाइस नो आई एम द बेस्ट फूड ब्लॉगर ऑन द इंटरनेट, तो खाते पीते और देखते हैं कैसा है। बढ़िया है, वाह क्या बात है। पिज्जा कहना चाह रहा है मैं, कमालू पिज्जा का जो चीज है वो होए, क्या पिघल रहा है मुंह में, कमाल कर दिया भाई साहब पिज्जा ने। होममेड ट्रफल फ्राइज जिसके साथ हमारे पास एक कौन सी डिप आई है? ब्लू चीज फ्राइज तो नॉर्मल है, पर चीज के साथ जो टेस्ट आ रहा है उसके बाद से फाड़ हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है मशरूम टॉर्टलिनी जो देखते ही कहती है ये सब पास्ता है, लेकिन खाते ही पता लगेगा कि प्रियांश में क्या। इतनी गंदी शक्ल बनाई है ऋषि तूने, ये आधा कर लू या पूरा एक बार में खाते हैं गोलगप्पे की तरह? है ये बहुत खराब है, बहुत खराब है भाई। नहीं ये बहुत खराब है। अच्छा ये पापड़ थोड़ी खाऊंगा मैं, तो पास्ता खाऊंगा ना। तो ये पास्ता है हमारे पास, ये स्टफ्ड पास्ता है इन क्रीम मशरूम सॉस, नहीं इन ओनली मशरूम सॉस। बहुत ज़्यादा ठीक है यार, पिज्जा बहुत अच्छा। मशरूम की भुर्जी बना के उसको पास्ता के अंदर डाला है और मशरूम की सॉस बना के थोड़े व्हाइट सॉस पास्ता की सॉस निकाल के पूरा ऐसा बना के इन्होंने ये तैयार किया है हमारे लिए। बहुत ही खराब है।
फाइनली हमने सब कुछ कर लिया और हम खान मार्केट में घूम भी लिए और खा भी लिया है और प्रियांश ने कवर भी देख लिया है जो बहुत महंगा था और ये खरीद नहीं पाया क्योंकि ये गरीब है लेकिन 1400 रुपए का एक कवर है, पागल आदमी हूं। अब हम हल्दीराम आ गए हैं जलेबी खाने के लिए। अरे बहुत लाइट हो गई भाई। ये अंकल पूछ रहे हैं कि कहाँ पे, क्या पूछ रहे हो आप, क्या चाहिए आपको? दारू दारू। अरे चल भाई, हम तो जलेबी खाते हैं, हमारा तो कोई लेना देना है नहीं। देखो हम बच्चों से भैया पूछ रहे हैं ऐसे दारू कहाँ मिलेगी। हमारा पोपट हो चुका है क्योंकि जलेबी वाले भैया आज आए नहीं थे तो हमें हल्दीराम में भी जलेबी नहीं मिली। हल्दीराम में जलेबी वाले भैया नहीं आए हल्दीराम में जलेबी वाले भैया नहीं आए तो जलेबी नहीं मिल पाई भाई। एकदम बेसिक बात है, इसमें कुछ है ही नहीं छुपाने वाला। करंटली हम ऋषि के घर के पास एक अंसल प्लाजा मॉल है, वहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि एक तो कुछ करने के लिए नहीं था इसलिए, लेकिन दूसरा यहाँ पे सारे ऐसे आउटलेट स्टोर्स हैं तो सब जगह 50% ऑफ 60% ऑफ है, दो खरीदो पांच लो ऐसा ऑफर चल रहे हैं। डिस्काउंट बहुत है पर चीजें इतनी फार नहीं मिल रही है। लोकॉस्ट से भी हमें कुछ खास नहीं मिला क्योंकि वही बात है कि यहाँ पे पहली बात तो हमें शॉपिंग करनी नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं ये भी है कि कभी कभी कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है, शॉपिंग ना भी करनी हो तो भी आदमी खरीद लेता है, लेकिन यहाँ सेल बहुत है पर चीजें इतनी अच्छी नहीं है। प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि हम कुछ खरीद नहीं रहे हैं। रेड टेप पे आके मैंने तो दो टी शर्ट फाइनल कर दी है, एक व्हाइट एक ब्लैक। एक ये शूज ट्राई कर रहा हूँ मैं, वैसे लेता नहीं हूँ रेड टेप वगैरह के शूज। कैसे लग रहे हैं? सही लग रहे हैं। सही बता। हाँ बढ़िया लग रहे हैं। यार ये सरकैसम में बोल रहा हूँ, वाइब लोकल आ रही है थोड़ी बस भाई, है ना थोड़ा सा। इसमें बस नाइकी का एक लोगो मिसिंग है और कुछ नहीं है। एक लोगो इधर होता ना नाइकी का तो मैं अभी ले लेता। कैंसिल होगा ये तो। इससे क्या पता लगा तू ब्रांड कॉन्शियस है? बहुत ज्यादा तो वही सबको पता है। वो तो टी शर्ट ले रहा हूँ मैं, ये कोई ऐसे डेली पहनने में टी शर्ट जिम पहन के चले जाओ ये टी शर्ट काम आ जाती है उसमें। ये प्रियांश खान मार्केट के बाद यहाँ से कवर ले रहा है। ये एयरपोर्ट मत लेके जाइयो ये वाला, ये एयरपोर्ट नहीं चलता। यहाँ से जब 200 रुपए की चप्पल मिल रही थी वो तो ली नहीं, एडिडास की लूंगा। जिद कर रहा है खुद तो ब्रांड कॉन्शियस है, तूने मुझे ब्रांड कॉन्शियस कैप्चर कर दिया। ऋषि देखो कोई ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, जो मिल जाए लाजपत से अपना ले लेता है चुपचाप। वैसे ऋषि हम साथ अभी धनमिल से वापस आ जाते बड़े आराम से आ जाते धनमिल से वापस। तूने जो 6 बजे की डेडलाइन लगाई है, शॉपिंग नहीं हो पाती। ये बात तो है, शॉपिंग नहीं हो पाती। अननेसेसरी शॉपिंग नहीं थी, ये इम्पल्सिव शॉपिंग थी। फर्क होता है, ये बढ़िया होती है, ये कर लेनी चाहिए कभी कभी, इससे मन खुश रहता है। आओ चलो चलते तो चलो, जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। रुक जाएंगे तो जो हमसे पीछे आ रहे हैं हमसे आगे निकल जाएंगे, फिर हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। ये सब चीजें ना अभी तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, ये मेरे साथ थोड़ा सा रहेंगे तो ये सब सीख पाएंगे, अभी तो थोड़ा सा ऐसी है। खैर अभी मुझे नहीं पता था यहाँ से कहाँ जाना है, तो बस मैं चल दिया। वो भी जरूरी है, कभी कभी ना नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, पर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इट्स इजियर टू स्टीयर अ मूविंग कार। रुकी हुई गाड़ी को तो तू कितना स्टीयरिंग व्हील घुमा लेगा वो वहीं के वहीं रहेगी ना। रुतबा तो आदमी में होना चाहिए, ये बात तो मैंने काफी अब समझी है। जैसे प्रियांश चल रहा है इसमें कोई रुतबा दिखेगा ही नहीं तुम्हें, कि जैसे ये कमर झुका के चल रहा है। अब देख मैं चल के दिखाता हूँ, उसमें रुतबा दिखता है। अब तो यहाँ पे लगाते हैं करण औजला का गाना कि मैं शॉपिंग करके ऐसे जा रहा हूँ, बढ़िया घड़ी है, एक रुतबा होता है देखो चलने का कि हम ऐसे करके चल रहे हैं। ब्लॉगिंग की ना अप्रोच चेंज हो गई है तेरी, अब तेरा ऐसा हो गया, पहले ऐसा होता था कि गाइस हम ये करें, अब तो ऐसे बोल के दिखा रहे हैं सब। मैं खाना खा लिया, हमने वो कर लिया है, पिज्जा अच्छा था जो भी बोलो। अरे वो तो बात ही दूसरी हो गई ना ऋषि। नहीं नहीं ऋषि कह रहा है सब व्लॉग क्या करना है क्यों नहीं करना है, खाने की बात करो। प्रियांश से पूछते हैं चलो कि प्रियांश ने कितनी लड़कियों को डेट किया है। अब कुछ तो कंटेंट आएगा ना। ये कहा नहीं दी क्यों, कंटेंट तो कंटेंट है बता दे। को दिया क्या है, कितनों किया है किया है बता, क्या किया है बता, कितने लड़कियों को डेट किया है। नहीं मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो तुम लोग, व्हाई आर यू टारगेटिंग, क्योंकि तूने शुरुआत की है। ये कैमरा उठाने की शुरुआत तुझसे हुई है कि इंटरेक्शन नहीं हुआ। कैमरा उठाया किसने? आज हम इंटरेक्शन करेंगे प्रियांश से कि चलो बताओ प्रियांश कितनी लड़कियों को तूने आज तक डेट किया है। इतना सन्नाटा है यहाँ पे, बस बहुत हो गया लाइफ की तरह बंद करो इसे। तो जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं।